बाय। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग जो है चलाने वाले हैं निंजा की 1000 cc बाइक, निंजा 1000। बहुत दिनों के बाद जो गियर वाला बाइक चलाऊंगा। ओह, इनलाइन फोर की भाई जो साउंड है बहुत ही अच्छा है। ओहो भाई साहब, ये तो बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। मैं सोच रहा था कि ये भाई वो स्पोर्ट वाला जो होगा, जो तो जिसमें थोड़ा अकड़ के जकड़ के बैठना है, वैसा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेट ही है। अच्छा लग रहा है एक्चुअली। इनलाइन 4000 cc 130 कुछ bhp है, सोहेन ने बताया, मैं स्पेक्स देखा नहीं अभी तक। मस्त खींच रहा है, मस्त। ये क्या है बुलू भाई? ये सोयन है कोलगेट की वेद शक्ति माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप विथ नेचुरल एक्टिव पावर दैट किल्स जर्म्स विद जस्ट वन स्प्रे। मतलब एक स्प्रे लगा लो और कीटाणु गायब है आपके मुंह से। इसे मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ बिकॉज इट इज क्वाइट पोर्टेबल, यू कैन सी, बहुत छुटकु सा है। और ये जो है हमारे राइडिंग गियर में इजिली फिट भी हो जाता है, मतलब राइडिंग गियर में भी फिट हो जाएगा, आपके पॉकेट में फिट हो जाएगा। बस जहाँ भी आपको दिन भर में जब भी जरूरत पड़े निकालो और एक स्प्रे लगा लो फ्रेश। आप ट्राई करो सोयन। डिस्क्रिप्शन पे अगर आप लोगों को खरीदना है तो आप डायरेक्टली जाके खरीद सकते हो। खरीदने के बाद जो है इसको यूज करो और करने के बाद मुझे कमेंट्स पे बताओ कि कैसा फील हो रहा है। सीट एकदम कंफर्टेबल सीट्स है, राइडिंग पोस्चर भी कंफर्टेबल है, नॉट सो मच कमिटेड। शायद मैं आगे निकल गया, पीछे है। फिर टॉर्क डिलीवरी बहुत अच्छा है। देखो सिक्स गियर में हूँ, थोड़ा सा स्लो करूँगा, फिर अगर मैं रेव करता हूँ ना, जैसे अभी देखो 70 स्पीड में है, रेव करने से इमीडिएटली जो है तेज निकल आता है। अभी मेरे ये राइडिंग कंडीशन में सब कुछ सही है, मतलब रोड्स अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा सनराइज हो रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का फॉग दिख रहा है, ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, वो ये है कि मैं जो है एडवेंचर बाइक की हेलमेट पहन के चला रहा हूँ स्पोर्ट बाइक। तो अगर हम लोग इसको अफ्रीका ट्विन के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 40 bhp की पावर डिलीवरी ज़्यादा है। टॉर्क फिगर्स मुझे पता नहीं है बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड अबाउट दिस स्पेक्स, मैंने देखा नहीं। लेकिन सबसे शानदार बात ये बाइक की ये है कि जो राइडिंग पोस्चर है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखो ये वाली रोड भी अमेजिंग है, एंजॉय करोगे आप। मैं बहुत दिन हो गया नहीं आया हूँ तो मुझे भी ठीक से पता नहीं कि धौलागिरी किस तरफ जाते हैं। आई एम श्योर कि यही रोड जो है डेड एंड पे धौलागिरी मिलेगा। अच्छा यहाँ से लेफ्ट, ओके। ये देखो, तो ये वाला चीज़ जो है ये मैं जनरली मतलब अपने एडवेंचर टूरर में क्या ऐसे ही डायरेक्टली चला जाता हूँ छोटे छोटे हम से, तो उसमें मुझे कुछ फील ही नहीं होता है। अरे दे 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 दे। मैं खड़ा हो गया। अरे भाई साहब, आदमी की जो आदत है ना वो कभी नहीं जाएगा। खड़ा हो गया मैं एडवेंचर टूरर जैसा। चलो ऐसा। अब देखो यार, ये बाइक कहाँ पे सही है, अगर मान लो आप बहुत अच्छे रोड्स के लिए ही चलाना चाहते हो, ठीक है, ओनली गुड रोड्स एंड लॉन्ग राइड्स, तो इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ब्रेकिंग क्वालिटी अच्छी है, कंफर्ट अच्छी है, पावर पिकअप अच्छा है, ओवरऑल एक अच्छी बाइक है। स्मूथ है यार, अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी है। ये देखो, अरे अरे अरे, बंद कर दिए क्या? बंद खोली नहीं? ओहो, आ हाँ चाली गई। अरे 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 अरे, ये कौन बंद है जी ने पूरा? सही पटे कि स्वयं स्वयं सेपट रास्ता टे कि धोड़ी रहा आउट रास्ता अच्छी मतलब लगू सही पटे तो पच्चे रहे। चलो सही पट हाँ 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 से रही बटिक से साउंड आसो
एग्जॉस्ट चेंज है नहीं ना, स्टॉक एग्जॉस्ट सत्य ही साउंड है। सो फाइनली बाइक फिर वापस चेंज कर लिए, मतलब मैं आ गया अपने बाइक पे और सोहेन आ गया उसके बाइक पे। अब दोनों के दोनों जो बाइक्स है वो चलाने का एक्सपीरियंस अलग है। यह आ गया अपना एडवेंचर टूरर और वो आ गया अपना स्पोर्ट टूरर, दोनों की अलग ही लेवल की मजा है। चलो एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ड्रोन शॉट्स है वो भी अच्छा लगा होगा। सो धोलगिरी के जो ड्रोन शॉट्स हम लोग लिए, सो सी यू अगेन गाइस, फिर से मिलेंगे एक नया वीडियो पे दोबारा। चीयर्स एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर गाइस।